पीएम मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में नंबर वन हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया, के जहाँ पे एक वजीर आजम जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. India ke Prime Minister Narendra Modi dominates global leaders approval rating. Aur is ranking mein ye bataya gaya hai ke Bharat ke Wazir Azam Modi duniya ke number 1 पॉपुलर लीडर हैं। लीडर्स की रैंकिंग हुई है और सर्वे के मुताबिक नंबर वन रैंक पर आए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। मोदी की गारंटी, विच मीन्स विकसित भारत एंड विच मीन्स इका शरिस्ता भारत, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है यूथ की, एम्पावरमेंट की, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन। इंडिया का एग्जांपल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज़ सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपये का नोट को उन्होंने कहा था हम इसको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को ख़त्म करो या इस किस्म की चीज़ को ख़त्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे, और वो जाली नोट्स आ रहे हैं और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीजन ये था। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से, आप लोग कह लो लगभग 10 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। और दोस्तों उसी 10 साल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर है। दोस्तों 2023 की जो वार्षिक रिपोर्ट बता रही है सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर्स की, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75% रेटिंग के साथ सबसे ज्यादा है। यानी भारत के लगभग 75% वोटर लोग नहीं, भारत के 75% वोट देने वाले लोग जिनके पास वोटर आईडी, वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से वोट देने के लिए अनफॉर्चुनेटली 80 से 90 करोड़ लोग ही जाते हैं। उस 80 से 90 करोड़ लोगों में से 75% लोग, तो आप लगा के चलिए मोटी मोटा कि 60 से 70 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत में लाइक करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसी ग्लोबल डेटा जो पॉलिटिकल लीडर एनालिसिस की डेटा है वो जो है क्लेम करी। दूसरे नंबर पर ऑब्वियसली बात है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, ठीक है, इसी तरीके से ये लिस्ट जो है। तो दोस्तों जो नरेंद्र मोदी जी और भारत की तरक्की से जलने वाले देश हैं पाकिस्तान, चाइना और इन सब में, तो दोस्तों एक बार फिर से मातम की लहर, फिर से आप लोगों को पता है मोदी की गारंटी आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सरकार में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया, के जहाँ पे एक वजीर आजम जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल। वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर, एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बिल्डोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उनकी पॉलिटिक्स ये। और क्वेश्चन ये है कि जारी बात है जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकेंड एडवांटेज ये है बड़ा, इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज, बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर, प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम जो है, 3 लाख स्टार्टअप आए हैं। सो वो अपने आप को, दे हैव सो मच टू टेल। मतलब मुझे याद है कि हमारी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जब ये इलेक्शन हुए 2024 के, सो द पॉलिटिकल क्लास वर टॉकिंग, हमने 10 साल पहले ये किया, हमने 20 साल पहले ये किया, हमने 30 साल पहले ये किया। ओ भाई, दिस इज ऑफ टुडे, यू हैव टू टॉक व्हाट्स देयर टुडे, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं जो इंप्रूविंग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो मिडिल क्लास के हवाले से कि जी बड़ी हमारी बड़ी तगड़ी मिडिल क्लास है, और इंडियन इकोनॉमी के हवाले से वो अपने आप को वो कहते हैं कि भाई हमने बहुत कमाल कर दिया। देखें, एक 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में।
2014 से लेकर 23 तक $600 बिलियन सनों हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सालों में $25 अरब आए हैं चीन से, तो साड़ा जो है ना सार नहीं खुलंदा पाया, हमारा सांस जो है ना फूल गया। और उधर $600 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है मोदी साहब के दौर के अंदर $600 बिलियन। अब आप इमेजिन कर लें कि वो जितनी SMEs हैं, छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, और फिर मेक इन इंडिया, ठीक है जी, उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कोई $800 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की हुई है, मतलब डिफरेंट डाटा वो शेयर करते हैं। बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि वो एंड देन डिजिटल इंडिया उनके पास एक है कि जी भारत नेट UPI, अब UPI जो है वो फ्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान वगैरह में भी UPI पेमेंट सिस्टम है। सो ये चीज़ें जो हैं, देन वो आपको पता है जो 370 की एब्रोगेशन है, ये जो द कॉल इट एज एंड ऑफ द ईरा ऑफ एक्सक्लूजन, कि ये भाई ज़माना ख़त्म हो गया, आप ये बातों को छोड़ दें। सो वो अपनी जो गारंटीज देते हैं, so it means Kashmir and is one of the most important thing that ke unhone jo apne 10 guarantees di usme Kashmir ka bhi zikr hai। Number 1 pe jis tarah se Narendra Modi hai 75% approval rating ke sath US ko bhi piche chhod chuke hai, वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे है, वेस्टर्न कंट्रीज सुपर पावर्स का मुकाबला, उनके लीडर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया, उस बारे में हमारी आवाम क्या कहेगी? और इस पूरी रेटिंग्स में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इस रेटिंग में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है, फर्स्ट रैंकिंग पर नरेंद्र मोदी है सुपर पावर्स को पीछे छोड़ते हुए। मैम, लीडर्स की रैंकिंग हुई है नंबर 1 रैंक पर, 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। US 5वें नंबर पे आया है, मेक्सिको 2nd नंबर पर, इटालियंस जो है वो 3rd नंबर पर, ब्राज़ील 4th नंबर पर। तो नरेंद्र मोदी 1st नंबर पर आए हैं US को पीछे छोड़ते हुए, आप क्या कहोगे? आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली इज़ मेकिंग दैट गो अहेड, सो बीइंग नेशन, उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी। एंड क्या किया उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया, बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर थिंग। सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं, जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है, दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट। तो उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज़ नॉन मुस्लिम, सो दैट्स वाई दे प्रेफर इट। ये जो मोदी की गारंटी है, मेरा ख्याल 10 से एक इम्पॉर्टेंट गारंटीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि भाई वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें मैंशन की हुई हैं कि हम क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं। और वो जिसे कहते हैं ना फार्मर्स जो हैं, आपको पता है फार्मर्स एक बड़ा पोलिटिसाइज इशू है इंडिया के अंदर, वो इस सेंस में है कि बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं कि जी वो सुइसाइड कर लेते हैं एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि वो तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट या पूरे पूरे खत्ते को आटा दे सकता है, रोटी दे सकता है। हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, हम इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं हैं, एग्रीकल्चरल कहते हैं, और आटा जो है ऐसे इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा चावल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं ना हमारे जो लोग हैं। सो ये किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने शुरू किया, मुझे तो लग रहा है कि वो इंडिया को फॉलो करते हुए हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू कर लिया है। इससे पहले हेल्थ कार्ड था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग देख के पाकिस्तानी हैरान होते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भारत में उनको लोकप्रियता मिल रही है, पाकिस्तानी क्यों हैरान हो रहे हैं। ठीक है, ये तो वही वाली बात है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपने प्रधानमंत्री, अपने मदरसे वाले लीडर्स हाफिज सईद वगैरह को देखे, कहाँ उनका ध्यान। हर कोई, आप लोगों को पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अपने प्रधानमंत्री, अपने वित्त मंत्री, अपने विदेश मंत्री का नाम नहीं पता होगा, लेकिन भारत के जयशंकर साहब, भारत के नरेंद्र मोदी जी साहब, राजनाथ सिंह साहब, इन सबका नाम पाकिस्तानियों को बकायदा पता है। पाकिस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है वो इन्हें नहीं पता होगा, लेकिन भारत का सबसे अमीर, दूसरा सबसे अमीर कौन है वो सब इनको जरूर पता रहता है। तो इनसे ज़्यादा फालतू किस देश की ऑडियंस हो सकती है, आप लोग ही समझो। पाकिस्तानियों से ज़्यादा घिरी हुई किसी या दोस्तों खुद से ज़्यादा दूसरे को देखते हैं, खुद मदरसे में पढ़ेंगे और दूसरे के स्कूल में कमियां निकालेंगे कि भाई इनका स्कूल वैसा है, उनका
इसी तरीके से दोस्तों अभी आईपीएल चल रहा है और पाकिस्तान का भी एक लीग होता है पीएसएल, इनका पीएसएल कोई थूकने भी नहीं आया, इनकी भी ऑडियंस नहीं आई, पाकिस्तानी लोग खुद देखने नहीं आए, लेकिन आईपीएल में कमियां निकालते हैं जो कि एक ब्रांडेड लीग है, दुनिया की सबसे बिगेस्ट लीग है। इसी तरीके से मोदी जी में भी कमियां ढूंढते हैं। अब तुमसे पूछ कौन रहा है कि मोदी खराब है अच्छा है, ठीक है, वो भारत की जो वोट देने वाली ऑडियंस है 80-90 करोड़ जो वोट देते हैं वो डिसाइड करेंगे ना, तुम कौन से डिसाइडर बने घूम रहे हो भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग कुछ भी हो तुमसे क्या मतलब हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तानी वही है, मदरसे वाली कौम है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, ठीक है, खुद रोटी के लिए कपड़ों के लिए अपने माँ बहनों को तक गिरवी रखने, इमरान खान ने लिटरली यही बोला है कि पाकिस्तान डॉलर के लिए अपने माँ बहनों को बेच सकते हैं, तो खुद ये एक्टिविटी कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को जज कर रहे हैं कि 75% रेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये कर दिया वो कर दिया। कई जाहिल तो पाकिस्तान में ऐसे जो मोदी जी की रेटिंग पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मैंने दिखाना उचित नहीं समझा, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।